मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद आप इस वीडियो को देखने आए। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने पिछली श्रृंखलाओं में इसी हिसाब से वीडियो बनाते हुए चार पाठ और भी बनाए हैं। ये आज पांचवा अकाल मृत्यु का पाठ शुरू होता है, या फिर ऐसी समस्याएँ जो हमें जीवन में कठिनाई देती हैं उनका पाठ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मित्रों, आप देख पा रहे होंगे ये हमारा शुक्र पर्वत है और उसी के नीचे एक हमारी भाग्य रेखा सीधी यहाँ तक है और एक जीवन रेखा इस प्रकार से सीधी है। जीवन रेखा में जब आपको लास्ट समय में इस प्रकार के लाल धब्बे यहाँ पर या फिर काले धब्बे देखने के लिए मिले, तो ऐसे में मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, या फिर हम मान सकते हैं कि हमें कठिनाइयों का सामने के साथ साथ अकाल मृत्यु भी देखने के लिए मिल सकती है। चलिए मित्रों, इसी श्रृंखला में अगली बात करें तो इस रेखा पर सीधा आगे आकर बीच में क्रॉस होना और दूसरे हाथ में इस रेखा का सीधा होना, तो ऐसे में भी कष्टकारी माना गया है। और मित्रों, ये हमारा होता है चंद्र पर्वत। इस पर अगर स्टार का चिन्ह हो, दो बार क्रॉस बन जाए और जीवन रेखा पर हमारा स्टार बन जाए, तो जहाँ पर स्टार बनेगा वहाँ पर वो समय हमारे लिए बहुत कठिन कार्य होने वाला है। देखिए, जैसे यहाँ पर क्रॉस, यहाँ पर स्टार का चिन्ह बनता है, तो ये एज होगी हमारी मिनिमम 50 साल के लगभग हमारी यहाँ पर उम्र होती है, तो 50 साल में इन सज्जन को बहुत ज़्यादा कष्ट होने वाला है। मित्रों, अब बात आती है कि हम मृत्यु के समय में, अंतिम समय में कहाँ होंगे। मित्रों, अगर ये हमारी जीवन रेखा सीधी नीचे को आते हुए लास्ट में दो मुखी हो जाती है, बाहर के लिए आ जाती है, तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु घर से बाहर पे होती है जब वो उस समय कहीं बाहर गया हुआ होता है। तो मित्रों, आपने कुछ नया जाना होगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।